जय हिंद। 3:32 पे जम्मू से कश्मीर की तरफ कॉन्वॉय निकला सीआरपीएफ का, 2500 जवानों का कॉन्वॉय, जो कि जनरली होता नहीं, 1000 कॉन्वॉय में होते। सबसे मेन क्या है ना, बहुत गुस्से में हूं लेकिन इतना कंट्रोल करके कोशिश ही कर रहा हूं। अगर मेरे सामने संविधान का, मैं हमेशा से कहता हूं कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का करना चाहिए, लेकिन आज वो अंदर से वो फील है ना, इन जैसे हरामी गद्दार आ जाए ना, बीच में हाथ रख के फाड़ दूं सालों। और बड़े सवाल पे आ जाए, कहां गए वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले, कहां गई गैंग, कहां गए वो ह्यूमन राइट्स वाले। अब नहीं तुमको बुरा लग रहा है, टेररिस्ट मरता है तो अभी तक आंदोलन चालू हो जाते तुम्हारे, है ना? अब कहां गए बे, छुप गए होगे घुसंड में, क्या हुआ अब? अब ह्यूमन राइट्स मत, सोल्जर का कौन सा राइट है, मतलब हम इंतजार किस बात का कर रहे हो आप? हाँ, क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं मरा अभी तक तुम्हारा कोई, अभी तक तुम्हारा कोई नेता नहीं मरा ना बड़ा वाला, इसलिए। और मरता भी है नेता तो क्या कहेंगे वो इस पार्टी का था। अबे यार समझ में नहीं आता, एक बार हर चीज में पॉलिटिकल, एक सबसे बड़ी कंसर्न ये है, एक बार मर्दानगी दिखाओ बे, एक बार अंदर से अगर थोड़ा सा भी गूदा है ना, इकट्ठे होके दिखाओ। एक मिनट, सर्जिकल स्ट्राइक, अरे शेड्यूल बना ना, रोज सुबह जाओ रोज ठोको। आप नामर्दगी फौज की दिखा रहे हो यार, इसका मतलब ये है हिंदुस्तानी फौज को पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आप पॉलिटिकल विल, पूरी सभी पार्टीज, व्हाई कैन नॉट वी क्रिएट अ ब्लडी नो टॉलरेंस पॉलिसी, हम लोग एक सीधा आप पारित कीजिए। आप किस प्रक्रिया से करते हैं मुझे पता नहीं, इस देश में तो यार जो है ना सुप्रीम कोर्ट खुल जाता कई टेररिस्टों के लिए रात को, जब सुप्रीम कोर्ट से ये ऐसे कुछ लॉयर होंगे जो टेररिस्ट की फांसी रुकवाना होगा तो सीधे रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। आ जाओ, बहुत सारे लॉयर मिलेंगे ना इस देश में, कहां गए वो लॉयर अब सब? आओ इकट्ठे जरा इनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ो, तब मानूंगा कि तुम। अबे असल बाप की औलाद हो ना, सबको चैलेंज देता हूं, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो, इस मैटर पे इकट्ठा हो और इस मैटर के लिए इन शहीदों की शहादतों का जवाब देने के लिए ना एक बार हो जाओ सब पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठे, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब सबको समझ में आता है कि आप लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकेंगे। अगर आप वतन के शहीदों का जवाब नहीं दे सकते, आपको चुने के आने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एक और ना, दहशत से चलता ये सब है ना, वो साले हमारे दिलों में, हमारी फोर्सेस के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं, हमारे अगर आप बैकफुट पे आने बोलते हो। एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताओ हिंदुस्तानी के तौर पर, सबसे पहले इन सालों के हरामी इन्फॉर्मर्स को उठाओ, इनको कांड पे गोली मारो, सालों को इकट्ठा करो। बॉस अगर तुम में एक भी अपने बाप का खून है ना, एक बार याद है कि जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, ये पॉलिटिशियंस के लिए बोल रहा हूं मैं सबके लिए, जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं। प्रूव करने की बात आई है दोस्त, घुसो मारो इनके इन्फॉर्मर्स, उठाओ जब तक इनके दिल में दहशत नहीं होगी, साले कुछ नहीं सुधरने वाला, उठाओ पब्लिक में खड़ा करो, मारो उस साले को गोली, तभी समझ में आएगा। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।